तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर इट इज सेड टू बी, ये कौन सा होगा? अगर फ्लावर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके विद एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, एक्टिनोमॉर्फिक बोलेंगे, जाइगोमॉर्फिक बोलेंगे, हेट्रोमॉर्फिक या साइक्लिक? तो इसमें क्या होगा? एक्टिनोमॉर्फिक। क्वेश्चन नंबर 101, जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, तो करेक्ट आंसर इज एक्टिनोमॉर्फिक। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन द गिवन डायग्राम विद रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल्स रेसिमोस सोलेनम, साइमोस सोलेनम, साइमोस ट्राइफोलियम और साइमोस बीन। तो यहाँ पर टर्मिनल पोजिशन पर क्या है? फ्लावर डेवलप हो गया है, तो ये कैसा होगा? ये साइमोज, अनलिमिटेड ग्रोथ है इसकी, लिमिटेड ग्रोथ साइमोज। और ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सोलेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम वन एंड कॉलम टू। तो यहाँ पर ये किसके लिए? ये सुपीरियर ओवरी के लिए, ये एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन के लिए, ये जाइगोमॉर्फिक के लिए और ये पेरियंथ। तो 103 का करेक्ट मैचिंग इट इज फर्स्ट, वन इज ए, टू इज सी, थ्री इज बी एंड फोर्थ इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्लोरिसेंसेस ए ब्रांच बियरिंग लीफ इन डेफिनेट मैनर, सिस्टम ऑफ ब्रांचेस बियरिंग फ्रूट, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन पेडेंकल और फ्लोरल एक्सेस, ऑल ऑफ दीज। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस क्या होगा? ब्रांच बियरिंग लीफ इन डेफिनेट मैनर, तो ये गलत है। सिस्टम ऑफ ब्रांचेस बियरिंग फ्रूट, ये भी गलत है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सेस या इसी को पेडेंकल, तो ये करेक्ट। थर्ड, 104 इज थर्ड, यस अनामिका करेक्ट, 104 इज थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, ए स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ब्रिंजल वेयर स्टेमेंस आर अटैच टू द पेटल्स, नेम द स्ट्रक्चर। स्टेमेंस अगर पेटल्स से फ्यूज्ड है, एंड्रोशियम फ्यूज्ड विद पेटल्स, तो इसको क्या बोलते हैं? एपिफिलस, एपिपेटलस, गैमोसेपलस या गैमोपेटलस? यस रागिनी करेक्ट, एपिपेटलस। दिस कंडीशन इज नोन एज एपिपेटलस। एपिफिलस कंडीशन किस में? लिलियसी फैमिली में। गैमोसेपलस मतलब सेपल्स फ्यूज्ड, गैमोपेटलस पेटल्स फ्यूज्ड, तो एपिपेटलस, ये सोलेनेसी का फीचर है। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा का मेंबर कौन सा नहीं है, मेंबर ऑफ पोरीफेरा? तो साइकॉन, सी एनिमोन, यू स्पॉन्जिया या स्पॉन्जिला। पोरीफेरा में क्या नहीं है? साइकॉन इसका मेंबर है, यू स्पॉन्जिया भी है, स्पॉन्जिला भी है। सी एनिमोन एडेम्जिया, सी एनिमोन इज एडेम्जिया। और ये किसका मेंबर है? ये सीलेंट्रेटा का मेंबर है। यस रागिनी वेरी गुड आफ्टरनून, यस बी इज द राइट आंसर, सी एनिमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, प्रोटोकॉर्डेट्स इंक्लूड विच सब फाइलम। तो प्रोटोकॉर्डेट्स, ये कॉर्डेटा में जो सब फाइलम्स हैं, कॉर्डेटा फाइलम को डिवाइड किया गया है तीन सब फाइलम्स में। यूरोकॉर्ड कॉर्डेट्स को डिवाइड किया गया तीन सब फाइलम में, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा ये दोनों मिल करके बनाते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। तो सब फाइलम करेक्ट आंसर यहाँ पर, यस इट इज डी, बोथ वन एंड टू, यूरोकॉर्डेटा एज वेल एज सिफेलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा एक अलग फाइलम है। क्वेश्चन नंबर 108, विच सब फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मैरिन, जो समुद्री है पूरी तरह से, एक्सक्लूसिवली मैरिन। इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा, सिफेलोकॉर्डेटा। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना, सब फाइलम पूछा गया है। इकाइनोडर्मेटा फाइलम है, टीनोफोरा भी फाइलम, तो सिफेलोकॉर्डेटा। 108 का करेक्ट आंसर, इसका फर्स्ट नहीं, 108 का फर्स्ट
सब फाइलम पूछा गया है। तो सब फाइलम यहाँ पर कौन सा है? सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा इज एक्सक्लूसिवली मैरिंग। यस सी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 109। इन विच एनिमल नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। तो हेड टू टेल रीजन, सिर्फ टेल रीजन में होती तो यूरोकॉर्डेटा, और हेड टू टेल रीजन तो ये सिफेलोकॉर्डेटा। परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, तो एक इसमें एसिडिया, सेल्पा, डॉलियोलम एंड ब्रेंक्योस्टोमा। तो सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है ब्रेंक्योस्टोमा, ऑल्सो नोन एज एम्फियोक्सस एंड लेंसलेट। इसी को एम्फियोक्सस या लेंसलेट्स के नाम से भी जानते हैं, अदर नेम्स लेंसलेट। और ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ये यूरोकॉर्डेटा के। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट है। तो 109 का करेक्ट आंसर, यस इट इज़ डी। रागिनी करेक्ट, यस अनामिका करेक्ट, यस कुमार यू आर ऑल्सो करेक्ट। तो 109 इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 110। गिविन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है जिसकी वजह से एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, तो ये सही है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों में डिफरेंस है। पेप्टाइडोग्लाइकैन की जगह यहाँ पर क्या होगा? सूडोम्यूरिन प्रेजेंट होता है आर्की बैक्टीरिया में, और मेथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स। ये मार्शी एरियाज में भी हैं, गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स में भी हैं, तो ये भी करेक्ट दिया है। 110 का करेक्ट आंसर, यस बोथ आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। एनिमल विच इज मैरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, आफ्टर स्पॉनिंग विद इन ए फ्यू डेज दे डाई, देयर लार्वी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। दिस एनिमल इज पेट्रोमाइजॉन, एंजल फिश, डॉग फिश और सॉ फिश। तो ये किसमें है? साइक्लोस्ट्रोमेटा में ये फीचर है, और इनको बोलते हैं क्या? एनाड्रोमस, सी वाटर से जो फ्रेश वाटर में जाते हैं, एनाड्रोमस। और ये किसमें? इसका एग्जाम्पल क्या है साइक्लोस्ट्रोमेटा का? पेट्रोमाइजॉन, पेट्रोमाइजॉन या लैम्प्रे। यस करेक्ट रागिनी। एंजल फिश, डॉग फिश एंड सॉ फिश, ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। हाउ मेनी एनिमल्स इन द फॉलोइंग हैव टू चैम्बर्ड हार्ट? तो टू चैम्बर्ड हार्ट किसमें है? फिशेज में। तो डॉग फिश, स्कॉलियोडॉन, सॉ फिश, प्रिस्टिस, फ्लाइंग फिश, एक्सोसीटस, क्लेरियस इज मागुर, और हाइला, ब्यूफो, सेलामेंडर ये एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस में थ्री चैम्बर्ड हार्ट, तो टू चैम्बर्ड हार्ट किसमें हुआ? डॉग फिश में, सॉ फिश में, फ्लाइंग फिश और क्लेरियस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, यस कुमार करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एनिमल्स आर पॉइकिलोथर्मल इन? पॉइकिलोथर्मल, तो पॉइकिलोथर्मल यहां पर कौन कौन से? वार्म ब्लडेड जो होते हैं ये बर्ड्स हैं, एव्स वाला बर्ड्स हो गई, और इसके अलावा कौन सा है? मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये वार्म ब्लडेड हैं होमियोथर्मल, इनके अलावा जो भी हैं। तो पैवो, नियोफ्रॉन, स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो इज ऑस्ट्रिच, नियोफ्रॉन इज वल्चर। तो ये जो तीन एग्जांपल्स हैं ये यहाँ पर बर्ड्स के हैं, एव्स के। बाकी कार्कैरोडॉन, ग्रेट वाइट शार्क, एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश, एक्थियोफिस, लिमलेस एम्फीबियन, टेरोफाइलम, एंजल फिश, टेस्ट्यूडो और कैलोट्स ये रेप्टाइल्स। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइकिलोथर्मल्स कितने हुए? 6। यस करेक्ट रागिनी, यस कुमार करेक्ट, यस अनामिका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 114। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर गिवन एनिमल्स? बूफो, टेड, टोड, हाइला, नियोफ्रॉन, नाजा, क्रोकोडिलस, पैवो, टेरोपस, फेलिस एंड पैंथेरा। ऑल बिलोंग टू सेम क्लास, सबका क्लास एक नहीं है। ये एम्फीबियंस हैं, बूफो, टोड, हाइला, ये न्यूफ्रॉन, एव्स है, ये रेप्टिलिया,
तो क्लास सबका सेम नहीं है, ऑल बिलोंग्स टू सेम सुपर क्लास। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, टेट्रापोडा में, ये सारे के सारे सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो ये सही है। ऑल हैव कार्टिलेजिनस क्रेनियम कंटेनिंग एनिमल्स, ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑल बिलोंग्स टू सेम सुपर क्लास टेट्रापोडा। 114 इज सेकेंड, यस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर वाटर सॉयल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सम यूनिसेलुलर फंजाई लाइक ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड एंटीबायोटिक्स। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, सब जगह पाए जाते हैं, एयर वाटर सॉयल एंड एनिमल्स, सही है ये स्टेटमेंट। स्टेटमेंट टू, सम यूनिसेलुलर फंजाई लाइक ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड एंटीबायोटिक्स, इसमें क्या है, बोथ करेक्ट नहीं है इसका। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। यस रागनी यू आर करेक्ट, यस अनामिका यू आर करेक्ट, फोर्थ नहीं, यस सेकंड। यहां पर एंटीबायोटिक्स नहीं, यहां पर ब्रेड एंड बियर होना चाहिए था, ब्रेड एंड बियर। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। 115, नेक्स्ट क्वेश्चन 116, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर सिमिलर अमंग अर्थवर्म, राउंडवर्म, हुकवर्म एंड फाइलेरियल वर्म। अर्थवर्म क्या है ये, अर्थवर्म एनेलेडा, राउंडवर्म एस्केलमिंथीज, हुकवर्म फाइलेरियल वर्म प्लेटेलमिंथीज। तो ऑल आर डायोशियस, अर्थवर्म कैसा है, मोनोशियस है, तो गलत हो गया। ऑल आर मोनोशियस, ये गलत है, क्योंकि हुकवर्म, राउंडवर्म, फाइलेरियल, ये सब डायोशियस। बायलेट्रल सिमेट्री, बायलेट्रल सिमेट्री प्लेटियल बिन्थीज से लेकर के कॉर्डेटा तक, तो बायलेट्रल सिमेट्री सारे ही शो करेंगे। और सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी किस में, अर्थवर्म में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, ओनली सी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर। 116, यस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, इन ऊगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टू मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ऊगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर मेल गैमेट कैसा होता है, मोटाइल, और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल और लार्ज। तो मेल गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल, फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। मेल गैमेट लार्ज गलत दिया हुआ है, फीमेल गैमेट इज स्मॉल एंड नॉन मोटाइल, स्मॉल यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूछा गया है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो करेक्ट आपको बताना है ए और डी, यस सेकंड, बोथ ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जेमा कप्स। तो जेमा कप्स क्या होते हैं, जेमा कप्स रिसेप्टिकल है जिसमें ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स ग्रो करेंगे। जेमा, जेमा सिंगुलर है, जेमी प्लूरल, तो कप्स की बात हो रही है, ग्रीन मल्टीसेलुलर बर्ड्स, गलत है ये। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नहीं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होना चाहिए था। हैव जेमा करेक्ट है, जेमा कप है, कप रिसेप्टिकल है, उसमें जेमा बर्ड्स स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही है। जेमा कप्स कहाँ पर है, ये थैलाई पर लोकेटेड है। जेमी डिटैचेस फ्रॉम बॉडी टू जर्मिनेट इन टू न्यू प्लांट, ये सही है। तो इसमें बी सी एंड डी आर ट्रू, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, बी सी डी आर ट्रू, यस करेक्ट। नेक्स्ट 115, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन लिवरवर्ट्स। स्पोरोफाइट इन मॉसेस सही है ये, मॉसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल, ये भी सही है, पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं। स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज लेस इलेबोरेट देन दैट इन लिवरवर्ट्स, तो ये लेस इलेबोरेट गलत दिया हुआ है।
स्पोरोफाइट मॉसेस में ज़्यादा डेवलप्ड है, कैप्सुलिन मॉसेस इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, ये सही है। तो नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट यूलोथ्रिक्स सही है, ये डिक्टियोटा है, फियोफाइसी का मेंबर डिक्टियोटा, ये पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी और ये साइकस। तो इनके करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं। ऑल गिवन प्लांट्स आर एल्गी, सारे के सारे एल्गी हैं, गलत है ये। ऑल गिवन प्लांट्स आर एल्गी, ये जिम्नोस्पर्म हैं, ये रेड एल्गी है, ये फियोफाइसी है और ये क्लोरोफाइसी। तो ये तीन तो हैं एल्गी बट ये नहीं है, तो गलत है। ऑल प्लांट्स आर सेम टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न, यहाँ पर डिप्लॉन्टिक है, यहाँ पर हैप्लो डिप्लॉन्टिक है, रेड एल्गी पॉलीसाइफोनिया, यहाँ पर हैप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक, तो ये भी गलत हो गया, सेम टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न नहीं है। ऑल गिवन प्लांट्स प्रोड्यूसेस मोटाइल मेल गैमिट्स, तो पॉलीसाइफोनिया में मोटाइल नहीं है, रेड एल्गी कैसा होता है, नॉन मोटाइल स्टेज होती है, यहाँ पर टोटल नॉन मोटाइल है ये, तो ये भी गलत हो गया। ऑल गिवन प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल ए, तो क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, सभी में प्रेजेंट होगा, तो ओनली डी इज करेक्ट, यस ओनली डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, नेडोब्लास्ट ऑफ टेंटिकल्स आर यूज फॉर एंकरेज डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ प्रे, नेडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। क्वेश्चन नंबर 121, तो 121 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यस मिस्टर एनर्ट, यस आर यू, तो नेडोब्लास्ट ऑफ टेंटिकल्स एंकरेज डिफेंस एंड कैप्चर, तो ऑफेंस डिफेंस एंड कैप्चर करेक्ट है ये। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक सही था बट ये ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, निडेरियंस ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से शुरू होती है, प्लैटीहेल्मिन्थीज से, तो ये गलत है सेकेंड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, यस सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा के एग्जाम्पल्स क्या है, लाइकोपोडियम और सिलाजिनेला, टेरोप्सिडा ड्राइप्टेरिस टेरिस एंड एडियंटम, तो ये हो गया। स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा में इक्विसिटम और साइलोप्सिडा में साइलोटम। क्वेश्चन नंबर 122 करेक्ट मैचिंग क्या होगी, यस अनामिका करेक्ट, इट इज थर्ड, ए इज सेकेंड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट साइकस, इट हैज अनब्रांच्ड स्टेम, कोरोलॉइड रूट्स आर प्रेजेंट इन साइकस, इन साइकस पिनेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स, इन साइकस मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबलाई आर प्रेजेंट ऑन सेम ट्री, नॉट ट्रू अबाउट साइकस। तो अनब्रांच्ड स्टेम सही है, ब्रांचिंग पाइनस और सेड्रस में, कोरोलॉइड रूट्स आर प्रेजेंट इन साइकस सही है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सेशन, साइकस पिन्नेट लीव्स परसिस फॉर फ्यू ईयर्स ये भी सही है, साइकस मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबलाई आर प्रेजेंट ऑन सेम ट्री, तो मेल स्ट्रॉबलाई तो प्रेजेंट है, फीमेल स्ट्रॉबलाई प्रेजेंट नहीं है, और दूसरा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम ट्री पर भी नहीं है, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, नॉट ट्रू पूछा हुआ, आंसर विल बी फोर्थ, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन अकर्स इन जिम्नोस्पर्म, टाइप ऑफ पॉलिनेशन कौन सा होगा, हाइड्रोफिली एनिमोफिली एंटमोफिली या ऑल ऑफ दीज, तो हाइड्रो वाटर की वजह से, एनिमो एयर की वजह से, एंटमो इंसेक्ट्स, तो यहाँ पर कौन सा है, पॉलिन ग्रेन्स है, एनिमोफिली, यस विंड पॉलिनेशन करेक्ट मिस्टर एनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक नेरीज पजेस लेटरल अपेंडेजेस नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड स्विमिंग,
तो ऑस्मो रेगुलेशन तो फंक्शन सही दिया है बट स्विमिंग नहीं, और एक्वेटिक एनेलिड्स नेरीज में पैरापोडिया प्रेजेंट है नेफ्रिडिया नहीं, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट। 125 इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, मेयर वॉज अवार्डेड बाई द बेल्जियन प्राइज कब? इट बेल्जियन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रॉफर्ड प्राइज, तो ये 83, 94 और 99। यस यस मिस्टर एनर्ट, 83, 94 एंड 99, 126 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अल्सेशियंस बिलोंग टू फैमिली कैनेडी, अल्सेशियन किसका? डॉग्स की ब्रीड है, जर्मन शेफर्ड, तो कैनेडी सही है, ये इनकरेक्ट पूछा गया है। कैट्स बिलोंग टू फैमिली फेलिडी सही है। लॉयन बिलोंग्स टू जीनस पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रेस, पैंथेरा पार्डस, तो ये सब किसके? पैंथेरा। टाइगर बिलोंग्स टू फैमिली कैनेडी, टाइगर कैनेडी नहीं, टाइगर की फैमिली कौन सी है? फेलिडी, कैनेडी इज फॉर डॉग्स। यस डी। क्वेश्चन नंबर 128, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? स्पीसीज लेवल पे। सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कहाँ पर मिलेंगे? स्पीसीज लेवल पे। तो इट विल डिक्रीज, इंक्रीज गलत दिया हुआ है, रिमेन सेम गलत दिया हुआ है, मे इंक्रीज और डिक्रीज गलत है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स ऑफ द एल्यूरोन सेल्स ऑफ ए प्लांट विथ 22 क्रोमोजोम्स इन इट्स सिनर्जिड सेल, तो सिनर्जिड सेल्स किसका है? फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट है, हैप्लॉयड होगा, एन होगा, तो एन नंबर तुम्हें दिया हुआ है 22, और एल्यूरोन सेल्स कैसी होती हैं? ये ट्रिप्लॉयड होती हैं, 3n होंगी, तो 3n का मतलब इसमें कितने हो गए? 66। 129 का फोर्थ, 129 का ए नहीं, 129 का फोर्थ, हेल्यूरोन सेल्स में पूछा गया है। 129 इज फोर्थ। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशंस, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स, ठीक है, मोनेरा में प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया है, दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, तो ये भी सही है। 130 का क्या है? यस इट इज डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 130। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, 131 साइमोज इनफ्लोरिसेंस इज आइडेंटिफाइड बाई, तो साइमोज इनफ्लोरिसेंस, साइमोज में यहाँ पर क्या होगा? टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर डेवलप होगा, अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होगी, लिमिटेड ग्रोथ होगी यहाँ पर भी, तो बेस से शुरू होगा, बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द मेन मेन एक्सेस, लिमिटेड ग्रोथ ऑफ द मेन एक्सेस एज मेन टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर। यस, तो इसका थर्ड, लिमिटेड ग्रोथ है, मेन एक्सेस टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर, अरेंजमेंट कैसा है? बेसिपिटल। नेक्स्ट है, ICBN स्टैंड्स फॉर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यस। नेक्स्ट है 133, प्लांट दतूरा इज प्लेस्ड इन विच फैमिली, तो दतूरा किसमें? क्रूसीफेरी में, कॉनवॉल्वुलेसी में, सोलेनेसी में या लेगुमिनेसी में? यस, तो इट इज मेंबर ऑफ सोलेनेसी दतूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट इंक्लूडेड इन द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? क्राइसोफाइट्स, वायरॉइड्स, लाइकेन्स, बैक्टीरियोफेजेस, डायनोफ्लैजिलेट्स, लाइकेन, बैक्टीरियोफेजेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेन्स, तो इसमें वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस और लाइकेन्स वगैरह को जगह नहीं मिली थी, वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेन्स, तो बैक्टीरियोफेजेस, वायरॉइड्स, वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेन्स थर्ड। 134, यस थर्ड। नेक्स्ट
Which of the following is correct about किंगडम एनिमेलिया इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो आर एच विटेकर का जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग एनिमेलिया के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया. इट इज़ कैरेक्टराइज बाई हेट्रोट्रॉफिक यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड सेल वॉल. सेल वॉल यहाँ पर एबसेंट है, गलत है. मेम्बर्स ऑफ एनिमेलिया फॉलो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक. डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है, सही है. इट इज़ कैरेक्टराइज बाई हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दैट आर यूनिसेलुलर. तो एनिमेलिया के सारे मेंबर्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, ऑल आर मल्टी सेलुलर. ऑल द मेंबर्स आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई कपोलेशन. ऑल मेंबर्स आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, गलत दिया हुआ है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कपोलेशन, तो यहाँ पर कौन सा सही है, सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन 136. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू किंगडम प्लांटी. किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म. मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी में भी ए पैरासाइट. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर टोटली हेट्रोट्रॉफिक. प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. किंगडम प्लांटी के रिस्पेक्ट में क्या सही है, करेक्ट. तो यहाँ पर किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक, गलत है ये, सारे यूकैरियोटिक होने चाहिए. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर टोटली हेट्रोट्रॉफिक, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं. प्लांट सेल वॉल इज मेनली मेड ऑफ काइटिन, ये फंगल सेल वॉल होना चाहिए था. तो मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी जैसे कसकटा जो है वो कैसा है, पैरासाइट है, स्टेम पैरासाइट. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, यस. नेक्स्ट, माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड इन. माइसीलियम किस में सेप्टेट भी है और ब्रांचिंग भी शो करेगा. तो ए सेप्टेट और सीनोसेटिक सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में, बाकी सभी में सेप्टेट है. तो बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज में ए सेप्टेट और सीनोसेटिक, तो इसलिए थर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 138. मैच द फॉलोइंग करेक्टली. एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंगस है ये, सीनोसेटिक. सीनोसेटिक यूज्ड फाइकोमाइसिटीज. न्यूरोस्पोरा यूज्ड एक्सटेंसिवली इन जेनेटिक बायोकेमिकल वर्क्स. एंड बेसिडियोमाइसिटीज पफ वॉल्स. 138. फर्स्ट आई इज डी, सेकेंड इज ए, थर्ड इज बी, फोर्थ इज सी. फर्स्ट 138 का पहला, यस. चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस आर डायटम्स, यूग्लिना, डायनोफ्लैजेलेट्स या पैरामीशियम. क्वेश्चन नंबर 139. चीफ प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, यस, चीफ प्रोड्यूसर्स आर डायटम्स. एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स, सीड फॉर्मिंग एंड एवैस्कुलर प्लांट्स, ट्रीज श्रब्स एंड हर्ब्स. तो प्लांट्स को इन्होंने तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ट्रीज श्रब्स एंड हर्ब्स, और एनिमल्स को एनाइमा और इनाइमा, विद रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 140 इज फोर्थ, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन 141. लेवल फिगर ए बी एंड सी. ए क्या है, बैसिलस. बी क्या है, कॉकस. एंड सी इज विब्रियो, कॉमा शेप. बेसिलस, कॉकाई एंड विब्रियो. 141. नेक्स्ट क्वेश्चन 142. विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो बायोल्यूमिनेसेंस. बायोल्यूमिनेसेंस, बायो मीन्स लिविंग, ल्यूमिनेसेंस मतलब चमक. तो प्रॉपर्टी ऑफ इमिटिंग लाइट बाई ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस. और ये किस में होगा, गोनियोलेक्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स का प्रॉपर्टी है. ए, यस मिस्टर एनर्ट, करेक्ट. ड्रोसोफिला हैज़ बीन यूज्ड टू स्टडी एनिमल जेनेटिक्स. इन द सेम वे प्लांट जेनेटिक्स यूजेस ड्यूट्रोमाइसिटीज, स्पोरोजोअन प्रोटिस्ट, फाइकोमाइसिटीज फंगस, ओनली एस्कोमाइसिटीज. यस करेक्ट मिस्टर एनर्ट, ओनली एस्कोमाइसिटीज. ड्रोसोफिला की तरह प्लांट किंगडम में कौन सा, न्यूरोस्पोरा.
और न्यूरोस्पोरा किसका मेंबर है? एस्कोमाइसिटीज का, तो 143 का फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन 144. द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ एस्टिवेशन इन करोला. आइडेंटिफाइड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबलिंग. तो यहाँ पर वॉल वेट है, ये यहाँ पर ओवरलैपिंग प्रेजेंट है, बट ये कि ये डेफिनेट ऑर्डर में है, तो इसलिए ये कौन सा हुआ, ये ट्विस्टेड हुआ. यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, इम्ब्रिकेट. और ये कौन सा है, वैक्सिलरी. तो ये स्टैंडर्ड और वैक्सिलम है, ये स्टैंडर्ड और वैक्सिलम, ये विंग्स और एले, और ये कील और कराइना. 144. यस, करेक्ट आंसर इज फोर्थ. वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज. तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर करेक्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होना चाहिए था. यहाँ पर क्या दिया है, इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से इसमें नहीं है, तो फोर्थ यहाँ पर इनकरेक्ट है. 145 इज फोर्थ. नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट. हायर द कैटेगरी, लेस इज द डिफिकल्टी. तो लेस नहीं, मोर इज द डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप, क्योंकि डाइवर्सिटी बढ़ेगी किंगडम की तरफ, जैसे जैसे बढ़ेंगे डाइवर्सिटी बढ़ेगी, तो डिफिकल्टी होगी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में. डिप्टेरा बिलोंग्स टू क्लास एनिमेलिया. ये क्लास नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, किंगडम एनिमेलिया होना चाहिए था. क्लास डिप्टेरा, क्लास नहीं, यहाँ पर ऑर्डर होना चाहिए. ऑर्डर डिप्टेरा इंक्लूड्स मस्का, और कार्निवोरा इंक्लूड्स टाइगर, कैट एंड डॉग. कार्निवोरा, कार्निवोरस. तो यहाँ पर ओनली डी इज करेक्ट. करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, फोर्थ. यस करेक्ट मिस्टर एनर्ट. यस रागिनी करेक्ट, अनु करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 147. फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ. तो फैमिलीज का करेक्टराइजेशन किसके बेसिस पर है, वेजिटेटिव करेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव करेक्टर, यूटिलिटीज. तो 147 का करेक्ट आंसर, यस, वन एंड टू बोथ, वेजिटेटिव करेक्टर एज वेल एज रिप्रोडक्टिव करेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर मस्टर्ड. तो मस्टर्ड के लिए सिंकार्पस कंडीशन प्रेजेंट है, हाइपोकाइनस कंडीशन प्रेजेंट है, जाइगोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक है. मस्टर्ड, तो मस्टर्ड कैसा होता है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, और हाइपोगाइनस ओवरी सुपीरियर, तो हाइपोगाइनस कंडीशन प्रेजेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट पूछा गया है, सिंकार्पस होगा, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, ये यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है. 148. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इनकरेक्ट. गायनोशियम इज द फीमेल वेजिटेटिव पार्ट, सॉलिड पार्ट ऑफ कॉर्पस कॉल्ड स्टिग्मा. इन सिंक कार्पस कंडीशन सेपल्स फ्यूज्ड. तो सिंक कार्पस कंडीशन में सेपल्स नहीं, कार्पल्स फ्यूज होंगे. सॉलिड पोर्शन ऑफ कार्पल्स कॉल्ड स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. जो सॉलिड पोर्शन है ट्यूब लाइक, ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल ट्यूब लाइक, और सॉलिन पोर्शन ये ओवरी. तो ये भी गलत है. गायनोशियम इज द फीमेल वेजिटेटिव पार्ट, फीमेल वेजिटेटिव नहीं है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऑल ऑफ दीज. तो इनकरेक्ट कौन से हुए, ऑल. यस, क्वेश्चन नंबर 150. मैच द फॉलोइंग. लॉयन, लेपर्ड, टाइगर, कैट. लॉयन का क्या है, लॉयन पैंथेरा लियो. लेपर्ड का क्या है, पैंथेरा पार्डस. टाइगर का क्या है, पैंथेरा टिग्रिस. और कैट इज फेलिस. क्वेश्चन नंबर 150. करेक्ट आंसर इज यस, फर्स्ट. फर्स्ट इज बी, सेकंड इज सी, थर्ड इज डी, फोर्थ इज ए. विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट. हायर द टैक्सॉन, मोर द सिमिलर करेक्टर्स. टैक्सॉन, हायर द टैक्सॉन, मतलब स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करें अगर, तो हायर द टैक्सॉन, मोर द सिमिलर करेक्टर्स. गलत है, यहाँ पर डाइवर्सिटी बढ़ेगी. लोअर द टैक्सॉन, मोर द डाइवर्सिटी, ये भी गलत है. नीचे आने पर डाइवर्सिटी कम होगी, डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगी किंगडम लेवल पे. लोअर द टैक्सॉन, मोर द रिजेंबलेंस. स्पीसीज लेवल पे सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी मिलती है,
सो लोअर द टैक्सोन मोर द रिजेम्बलेंसेज, ये करेक्ट है. 151 इज यस करेक्ट मिस्टर एनर्ट, यस अनामिका, यस रागिनी करेक्ट. सीनोसेटिक कंडीशन फाइको एस्को बेसिडियो डिट्रो, तो यहाँ पर फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेट एंड सीनोसेटिक, यस 152 इज फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वीट रस्ट इज कॉज्ड बाई, तो वीट रस्ट किसके द्वारा, पक्सीनिया, अस्टिलेगो, क्लेविसेप्स एंड अल्टरनेरिया. तो वीट रस्ट कौन कॉज करेगा, पक्सीनिया. द गैमेटोफाइड स्टेज ऑफ फ्यूनेरिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेजेस, गैमेटोफाइड स्टेज ऑफ फ्यूनेरिया, गैमेटोफाइड जो होगा यहाँ पर प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज, दो स्टेजेस हैं प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज, तो कितना हो गया, टू, थर्ड इज द राइट आंसर 154. यस मेगास्पोरेंजियम इन जिम्नोस्पर्म इज नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर, ओव्यूल एंड पॉलन ग्रेन. तो मेगास्पोरेंजियम जिसमें मेगास्पोर डेवलप होगा वो स्ट्रक्चर उसको क्या बोलेंगे, ओव्यूल. ओव्यूल इज इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. यस सेलेक्ट द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आपको बताना है, अमीबा, नेरीज, हाइड्रा और यू स्पॉन्जिया. तो ट्रिप्लोब्लास्टिक इसमें से कौन सा होगा, अमीबा, यूनिसेलुलर, नेरीज, हाइड्रा एंड यू स्पॉन्जिया. ये पोरीफेरा का मेंबर, ये सीलेंटेटा. ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू होता है प्लेटेलमेंथीस से. नेरीज 156 इज सेकेंड. यस अरेंजमेंट ऑफ टैक्सॉन्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया, तो टैक्सॉन्स की टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्लासिफिकेशन एंड म्यूजियम, तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, यस टैक्सोनॉमिक हायरार्की. जब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम लोग एक साथ कंसिडर करते हैं तो क्या बनेगा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की. विच इज़ इनकरेक्ट, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन कर्ड मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, माइकोप्लाज्मा या सेल वॉल, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. तो माइकोप्लाज्मा इज विदाउट सेल वॉल, इनकरेक्ट. डायनोफ्लैजेलेट्स आर ऑफ मेनी कलर्स इन स्लाइम मोड्स, स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट. यस बी. क्वेश्चन नंबर 159, फॉलोइंग आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप, कंसिडर द कैरेक्टर एंड आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव ग्रुप. 159 यस मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गनिज फ्रेश वाटर, पेलिकल इज प्रेजेंट, टू फ्लैजिला प्रेजेंट, तो ये किस में है, यूग्लिनोइड्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन 160, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस डायग्राम, सम ऑफ दीज ऑर्गनिज कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, इनको क्या बोलेंगे, हेट्रोसिस्ट. द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनस शीथ, दे ऑफन फॉर्म वाटर ब्लूम्स. ब्लूम्स साइनोबैक्टीरिया ऑफ क्लोरोफिल इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, तो यहाँ पर ये सारे स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, ए डी बी सी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ, ए बी सी डी. 160 इज फोर्थ. यस मिस्टर एनर्ट का करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 161, साइक्लोस्ट्रोमेटा इज ए क्लास ऑफ डिवीजन नेथोस्ट्रोमेटा, तो वर्टिब्रेटा को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, नेथोस्ट्रोमेटा और एग्नेथा. एग्नेथा दैट लैक्स जॉ, नेथोस्ट्रोमेटा विद जॉ. तो एग्नेथा, यहाँ पर जो एग्नेथा है इसमें क्लास है जिसका नाम है साइक्लोस्ट्रोमेटा. तो साइक्लोस्ट्रोमेटा इज ए क्लास ऑफ डिवीजन नेथोस्ट्रोमेटा, ये गलत हो गया, एग्नेथा होना चाहिए था, और एग्नेथा लैक्स जॉ, ये सही है. तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, थर्ड होना चाहिए इसका आंसर. 161. नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेजेस हैव यूजुअली सर्कुलर आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए. बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस इसमें क्या प्रेजेंट है, ये इसमें यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, वो बैक्टीरिया पे जो अटैक करते हैं इसमें यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए. 162 इज फोर्थ.
नेक्स्ट क्वेश्चन 163, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बेसिडियोमाइसिटिस, ऑल्सो कॉल्ड ब्रैकेट फंजाई, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाई फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेबल सेल्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स, कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस आउटसाइड द बेसिडियम, बेसिडियो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली. क्वेश्चन नंबर 163. तो यहाँ पर ए इज करेक्ट, ट्रू स्टेटमेंट पूछे गए. ऑल्सो कॉल्ड ब्रैकेट फंजाई सही है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाई फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल्स सही है, कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन साइड द बेसिडियम आउटसाइड, यहाँ गलत दिया है, बेसिडियो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली. तो ए बी एंड डी करेक्ट. 163. नेक्स्ट, मैच द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स. क्वेश्चन नंबर 164. तो एस्को स्पोर्ट्स किस में है, ये ईस्ट. बेसिडियो स्पोर्ट्स, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स होंगे एस्को स्पोर्ट्स. बेसिडियो स्पोर्ट्स, किस में, अगेरिकस बेसिडियम. जाइगो स्पोर्ट्स, फाइकोमाइसिटीज में, राइजोपस. और कॉनिडिया किस में होगा, ये बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूक्रोमाइसिटीज में प्रेजेंट है. तो एस्परजिलस 164, यस इट इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 165, हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज ए सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा. बेलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस आर यूरोकॉर्डेट्स. ये क्या है, ये यूरोकॉर्डेट्स हैं, बेलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस. तो हेमिकॉर्डेटा सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, रीज़न दिया हुआ है बेलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस आर यूरोकॉर्डेट्स. तो रीज़न यहाँ पर गलत हो गया, बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस ये क्या है, ये हेमिकॉर्डेट्स ही हैं. तो स्टेटमेंट गलत है, ये सही है. तो असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स सेकेंड, यस. नेक्स्ट, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स फॉर्म द प्लांट बॉडी ऑफ फंगस आर कॉल्ड हाइफी, माइसीलियम, सूडोमाइसीलियम एंड राइजोइड्स. 166. तो थ्रेड लाइक फिलामेंट्स ये हाइफी, और इसी का जब नेटवर्क होगा तो माइसीलियम. इन लाइकेंस फंजाई प्रोवाइड्स टू इट्स पार्टनर फूड, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. लाइकेन किसका एसोसिएशन है, एल्गी और फंजाई का, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. तो फंजाई ने एल्गी को ट्रैप किया हुआ है. तो फंजाई एल्गी को क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, वाटर प्रोवाइड कर रहा है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स. हेटरोट्रॉफिक होगा इसलिए फूड नहीं. फूड कैसे होगा, फूड फंगस तो खुद हेटरोट्रॉफिक है, तो फूड कहाँ से बनाएगा, फूड वाले ऑप्शन तो वैसे ही हट गए. बी इसलिए नहीं क्योंकि शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, इसलिए थर्ड. 167. नेक्स्ट क्वेश्चन 168, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गी टेक्स प्लेस बाय पेरिफॉर्म जूस्पोर्स, जूस्पोर्स इन ब्राउन एल्गी आर बाईफ्लैजिलेटेड, जूस्पोर्स आर पियर शेप्ड. एंड 168 का करेक्ट आंसर विल बी यस श्रद्धा इज ट्रू. तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गी में पेरिफॉर्म पियर शेप्ड है, ये जूस्पोर पायरीफॉर्म भी बोलते हैं. जूस्पोर्स इज ब्राउन एल्गी आर बाईफ्लैजिलेटेड, कहाँ पर होगा, फ्लैजिला लेटरली अटैच्ड होते हैं. जूस्पोर्स आर पियर शेप्ड. तो ऑल ऑफ दीज 168, यस. नेक्स्ट, लीफी स्टेज इन मॉसेस डेवलप फ्रॉम, लीफी स्टेज इन मॉसेस ये किससे, गैमेटोफोर, सेकेंडरी प्रोटोनिमा. तो प्रोटोनिमा ये भी गैमेटोफाइट है, प्रोटोनिमा प्राइमरी प्रोटोनिमा स्पोर्स से जो डायरेक्ट जर्मिनेशन से बनेगा, उसकी जो ब्रांचिंग होगी सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लीफी स्टेज बर्ड्स जो लेटरल बर्ड्स डेवलप होंगी. लिनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज आर्टिफिशियल, देवर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव करेक्टर्स और ऑन द एंडोशियम स्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर 170. यस 170 इज लिनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज आर्टिफिशियल, देवर बेस्ड मेनली ऑन
few characters, vegetatives or on the androecium structure. So 170 का करेक्ट आंसर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 171. स्पोर्स इन फ्यूनेरिया प्रोड्यूस फ्रॉम फुट ऑफ स्पोरोफाइट, सीटा ऑफ स्पोरोफाइट, कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट. तो स्पोर्स फ्यूनेरिया मॉसेस ये कहाँ पर डेवलप होंगे? ये कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोर मदर सेल्स होंगी. यस. क्वेश्चन नंबर 172. क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी यहाँ पर कौन सा है? डिक्टियोटा होगा, एक्टोकार्पस होगा, लेमिनेरिया सार्गासम, फ्यूकस. तो ये चार एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं जो फियोफाइसी के मेंबर्स हैं. फोर ए एंड सी पूछा हुआ है. 172 इज सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमेटोफाइट एंड टेरिडोफाइटाइज. गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक, मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग, ऑल ऑफ दीज. 173. गैमेटोफाइट एंड टेरिडोफाइट ये हार्ट शेप होता है, ग्रीन होगा, मल्टीसेलुलर होगा, फ्री लिविंग होगा, तो ऑल ऑफ दीज. और कैसा? मोनोइशियस होगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही थैलस पे. लाइकोपोडियम एंड एडियंटम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ टेरिडोफाइट? तो लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम एंड एडियंटम लाइकोप्सिडा और एडियंटम टेरोप्सिडा. क्वेश्चन नंबर 174. यस यस मिस्टर इनर्ट, करेक्ट. लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, टेरोप्सिडा में ड्राइप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम. नेक्स्ट क्वेश्चन 175. एरिस्टोटल यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट्स इंटू ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स. एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. तो ये असर्शन सही है, रीज़न भी सही है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्यों यूज़ किए थे? तो 175 इज फर्स्ट. नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस डायग्राम. स्लाइम मोल्ड्स फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएटेड एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज. द स्पोर्स पजिस ट्रू वॉल्स. द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाई वाटर करेंट्स. क्वेश्चन नंबर 176. तो स्लाइम मोल्ड्स कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक, गलत है, ये हेटरोट्रॉफिक है. ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज. ये फेवरेबल नहीं, अनफेवरेबल. स्पोर्स पजिस ट्रू वॉल सही है. स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाई एयर करेंट्स. करेक्ट ऑप्शन पूछा गया, तो ओनली सी इज करेक्ट. फोर्थ यस रागिनी, करेक्ट. यस मिस्टर एनर्ट, यू आर करेक्ट. नेक्स्ट, इन साइकस मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ. मेगास्पोर मदर सेल जो डिफरेंशिएट होती है वो किससे? न्यूसेलस से. न्यूसेलस से मेगास्पोर मदर सेल, फिर इसमें मियोसिस होगी, फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में. इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन इज फ्यूजन ऑफ. ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा? ट्रिपल फ्यूजन में जो एम्ब्रियो सैक है इसमें एंटीपोडल्स हो गई है, ये बीच में सेंट्रल सेल और यहाँ पर ये एक सेल. तो यहाँ पर दो मेल गैमेट्स आएंगे और एक मेल गैमेट एक सेल के साथ और दूसरा सेंट्रल सेल के साथ. सेंट्रल सेल में ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के वक्त, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं. तो थर्ड ऑप्शन होना चाहिए. 178 इज थर्ड. यस. नेक्स्ट, रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट इन. रेडियल सिमेट्री कहाँ पर प्रेजेंट है? प्लेटियल मेंथीज में, सीलेंटेट और टीनोफोर्स में या एडल्ट इकाइनोडर्म्स में. तो रेडियल सिमेट्री सीलेंटेटा में भी है, टीनोफोरा में भी है और एडल्ट इकाइनोडर्म्स में भी. इकाइनोडर्म्स का जो लार्वा होता है वो बायलैटरल सिमेट्री शो करेगा. 179 इज फोर्थ.
Question number 180. The network of hyphae is known as mycelium. Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called cenocytic hyphae. तो यहाँ पर network of hyphae mycelium बोला जाता है, सही है. Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called cenocytic hyphae. Correct है, multinucleate condition cenocytic. But ये इसको explain नहीं कर रहा है mycelium क्यों बोलते हैं. तो both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation. Yes, A. Next question. Bioluminescence, property of emitting light by living organism, is well marked in porifera, coelenterata, ctenophora and mollusks. तो ये ctenophora में भी property है bioluminescence की. Yes. Question number 182. Match the following. Ascaris is roundworm, Gorgonia is sea fan, Limulus is king crab. Limulus is king crab, Antidon is sea lily. So A is third, B is fourth, C is one and D is second. Fourth. Yes. Question number 183. Worm like proboscis, collar and trunk with digestive system complete. तो ये किसमें है? Proboscis, collar और trunk, ये hemichordata. और hemichordata के examples हैं saccoglossus and balanoglossus. तो इसलिए यहाँ पर correct answer होगा fourth. Yes, all. Next, match the following columns. प्रिस्टिस, प्रिस्टिस क्या है? सॉफिश. ट्राइगोन क्या है? ट्राइगोन इज स्टिंगरे. कारकेरोडॉन इज ग्रेट वाइट शार्क. टारपीडो, टारपीडो इज विद इलेक्ट्रिक ऑर्गन. एक्सोसीटस इज फ्लाइंग फिश. 184. यस, इट इज सेकंड. नेक्स्ट 185. विच इज द करेक्ट मैचिंग. 185. तो यहाँ पर स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन का क्या है? डॉग फिश. क्लेरियस का क्या है? मागुर. फाइटिंग फिश इज बेटा. एंजल फिश इज टेरोफाइलम. 185 करेक्ट आंसर. यस, करेक्ट आंसर इज सेकंड. ए इज थर्ड, बी इज फोर्थ, सी इज सेकंड एंड डी इज फर्स्ट. अगेन मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन. 186. तो मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म किस में है? लीच में. स्पॉन्जोसील, कैनाल सिस्टम. ए सीलोमेट, ए सीलोमेट प्लेटेलमेंथीज. हनी बी इज एपिस. यस, ए सेकंड, बी इज फर्स्ट एंड सी इज फोर्थ एंड डी इज थर्ड. 186 इज फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी. तो यहाँ पे कॉर्डेट्स दिए, कॉर्डेट के फीचर्स दिए हुए हैं. ये फेरेंजियल गिल्सलेट्स, लेटरल फेरेंजियल गिल्सलेट्स. ये क्या है? ये पोस्ट एनल टेल. और सी क्या है? ये नोटोकॉर्ड, डॉर्सल पोजिशन में होगी. और डी इज नर्व कॉर्ड. यहाँ पर फोर्थ. नेक्स्ट 188. विच इज द करेक्ट मैचिंग सेट. करेक्ट मैचिंग कंपाउंड आई, ऑर्थोपोडा, पैरापोडिया, नेरीज, गिल्स मोलस्का में, गिल्स फिशेज में और मेंटल कैविटी मोलस्क. पैरापोडिया, नेरीज एंड कंपाउंड आई, ऑर्थोपोडा. 188 करेक्ट आंसर इज सेकंड. ए इज वन, बी इज थर्ड, सी इज फोर्थ एंड डी इज सेकंड. क्वेश्चन नंबर 189. विच इज ए करेक्ट रिगार्डिंग ओबेलिया. ओबेलिया सीफर कॉमनली नोन एज. पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा एसेक्सुअली. मेडूसा प्रोड्यूस पॉलिप एसेक्सुअली. कैनाल सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ क्वेनोसाइट्स. तो यहाँ पर पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा एसेक्सुअली. क्वेश्चन नंबर 189 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. यस,
विच इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा का मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, तो इट इज़ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। कैनाल सिस्टम कहाँ पर है, पोरीफेरा में, कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन पोरीफेरा, यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम। यस, फाइलम विच इज़ ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या है, हेमिकॉर्डेटा। फाइलम विच इज एक्सक्लूसिवली मैरीन, फाइलम विच इज एक्सक्लूसिवली मैरीन एंड लार्वा हैविंग बायलैटरल सिमेट्री, पूरे का पूरा फाइलम एक्सक्लूसिवली मैरीन है और लार्वा का करेक्टरिस्टिक है कि ये बायलैटरल सिमेट्री शो करेगा। कौन सा सही है इसका, 192। यस, इकाइनोडर्मेटा करेक्ट, मिस्टर एनर्ट रागिनी यादव करेक्ट, इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मैरीन फाइलम्स, इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा एंड हेमिकॉर्डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ओपन इन क्लोइका ऑफ रेप्टाइल्स, क्लोइका ऑफ रेप्टाइल्स में कौन कौन से, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनोजेनाइटल, तो यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स और एलिमेंट्री कैनाल, तीनों की ओपनिंग प्रेजेंट होगी। 193 ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 194, द थ्री जर्मिनल लेयर्स स्टार्टेड फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एस्केलमेंथीज, प्लेटीएलमेंथीज, सीलेंटेटाई या एनेलिड्स, तो यहाँ पर प्लेटीएलमेंथीज, टू कॉर्डेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। 194 इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 195, इन एनिमल द टर्म सीलोम मीन्स, तो सीलोम इज अ बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड विसरा और इट इज़ लाइंड ऑन बोथ साइड्स बाई मीजोडर्म, तो बॉडी कैविटी इज लाइंड बाई मीजोडर्म। 195 इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 196, इन एल्गी आइसोगेमस, ओगेमस एंड आइसोगेमस, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सब किसके टाइप्स हैं, यस अनामिका करेक्ट, दीज आर टाइप्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अगार, टाइप ऑफ केमिकल ऑब्टेंड फ्रॉम विच एल्गी एंड देयर यूजेज रिस्पेक्टिवली, तो अगर हाइड्रोकोलॉइड या फाइकोकोलॉइड्स बोला जाएगा इसको, और ये किसमें, जेलिडियम ग्रैसिलेरिया से ऑब्टेंड होगा, कल्चर मीडियम के प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, थिकनिंग एजेंट के रूप में, तो ऑल ऑफ दीज। 197 इज फोर्थ। नेक्स्ट, इन मेंबर ऑफ फियोफाइसी देयर गैमिट्स एंड जूस्पोर्स आर रिस्पेक्टिवली विच शेप, तो फियोफाइसी में गैमिट्स हों या स्पोर्स हों, सबका शेप कैसा है, पियर शेप या पायरीफॉर्म, यस पियर शेप्ड, और लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होगा। 198 इज थर्ड। नेक्स्ट 199, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज करेक्ट, पॉलिप, जेलीफिश, गॉर्गोनिया, सी पेन, पेनेटुला सी फैन, मेंड्रिना इज ब्रेन कोरल, तो मेंड्रिना इज ब्रेन कोरल सही है, पेनेटुला इज सी पेन, गॉर्गोनिया इज सी फैन, और पॉलिप जेलीफिश और इलिया ये कैसा है, मेडूसा फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 200, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस डायग्राम, बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, दे हैव जॉइंटेड अपेंडिजेस, दे आर मोस्टली विविपेरस, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 200। यस, तो यहाँ पर ओनली डी थर्ड, बाकी यहाँ पर करेक्ट है। सो वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर बियरिंग विद मी, थैंक यू सो मच। बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो मिस्टर एनर्ट, कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स, जितना भी सिलेबस हो चुका है उसको रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। वेलकम अनामिका, वेलकम रागिनी।
यस बाय, टेक केयर मिस्टर एनर्ट। अगर आपकी मिस्टेक्स कम नहीं हो रही, इसका मतलब और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बस प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, रिवीजन जल्दी जल्दी करिए। ओके बाय, टेक केयर। ओके रागिनी, एडवांटेज है फिर तो आपके पास, 1 साल और एक्स्ट्रा तैयारी करिए। ओके ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। उन्हें स्टेटमेंट्स पे और ध्यान दो, जहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं उनको मार्क करो एनसीईआरटी में, और उस तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करो, अपने आप मिस्टेक्स जो होंगी वो मिनिमाइज होंगी।